बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सालवे इतालिया, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है मेरे सब व्यूअर्स ठीक ठाक होंगे और ईद की तैयारियां अरूज पे होंगी। तो जनाब, मैं आज आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ एक और नई मेकअप लुक लेकर। ईद स्पेशल है ये, बहुत ही ज़बरदस्त सॉफ्ट लुक है ये, और इसे आप डेली बेसिस पे भी क्रिएट कर सकते हैं। बहुत ही ईजी है, जस्ट 5 मिनट्स लगते हैं और ये लुक क्रिएट हो जाती है। बहुत सॉफ्ट मैट क्लासी लुक है ये, इसे आप ईद पे किसी भी सूट के साथ बना सकते हैं। और इसके साथ आप न्यूड लिप्स बनाएं, ब्राउन बनाएं या किसी भी शेड के डार्क लिप्स बनाएं तो बहुत ज़बरदस्त लगते हैं। और इसके साथ अगर आप चाहें तो इसके काजल आईज़ बनाएं या आप इसमें न्यूड आईज़ बनाएं, वाटर लाइन को न्यूड कर लें, तो दोनों तरीके। अब हम इसके लुक बनाना शुरू करते हैं। मेरा ये मकसद था कि मैं आपको 2-3 लाइटों में ज़रा दाएँ बाएँ करके, ज़रा ऊपर नीचे करके, मैं आपको क्लोज़अप और थोड़ा जूम करके और दूर से मैं दिखा दूं हर तरीके के साथ। देखें कितनी ज़बरदस्त ब्लेंड लुक है ये, तो इसे बनाना शुरू करते हैं। मगर इससे पहले, जिन मेरे व्यूअर्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा चैनल मेकअप, मेहंदी, कुकिंग और बेकिंग से रिलेटेड है। तो अपनी आई लुक क्रिएट करना शुरू करते हैं। आईब्रोज़ और आई मैंने बना ली थी, जैकलिन हिल का एक्समोर्फी पैलेट वॉल्यूम 1 यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले इसमें से मैंने एक ये वाला लाइटेस्ट कलर लिया और इसे मैं आई के बिल्कुल इनर कॉर्नर में मैं पैक कर रही हूँ। तो आहिस्ता आहिस्ता मैं अंदर की तरफ जाऊँगी। मोर्फी M506 मैंने ब्रश लिया और ये बहुत ही प्रिसाइज ब्रश है, बहुत ही इसमें कंट्रोल रहता है और ज़्यादा इस ये फ्लफ़ी नहीं है, बहुत ही इसका नॉर्मल साइज़ है। तो मैं इस पर आई लिड पर अच्छी तरह से पैक करते हुए ये मैं अंदर की तरफ जा रही हूँ। बहुत ही लाइट कलर है ये, ज़्यादा विजिबल भी नहीं है, बट क्योंकि ये मैट और बहुत ही लाइट कॉर्नर शेड है और ये इनर कॉर्नर के लिए लाइट शेड ज़्यादा बेस्ट रहता है ताकि उसे एक लाइट मिले और हमारी आईज़ ज़्यादा प्रोमिनेंट और बड़ी और साफ ऐसे वाजिया हों। तो उसके बाद मैंने अब एक उससे स्लाइटली डार्कर कलर लिया, वो उस डार्कर कलर को मैं अब आई लिड के बिल्कुल मिड एरिया में पैक कर रही हूँ। इस तरह के आई लिड के बिल्कुल मिड एरिया में पैक कर रही हूँ, एट द सेम टाइम लाइट कलर के अंदर भी ब्लेंड कर रही हूँ और इनर कॉर्नर से आउटर कॉर्नर की तरफ भी जा रही हूँ। अब ये मैंने उससे भी एक थोड़ा डार्क कलर लिया, कोई भी ब्राउन कलर आप ले लें, तो ये डार्कर कलर है ब्राउन। उससे मैं अपनी आई के आउटर कॉर्नर को मैं डेप्थ दे रही हूँ, एट द सेम टाइम मैं आई लिड के अंदर की तरफ भी इसे मर्ज कर रही हूँ। ब्लेंडिंग बहुत ज़रूरी है, एक कलर से दूसरे कलर जब आप शुरू करें तो उधर ब्लेंडिंग बहुत ज़रूरी है। अब आउटर कॉर्नर को बारी आएगी सबसे डार्केस्ट कलर ब्राउन कलर के साथ डेप्थ देने की ताकि एक डार्क शेड इफ़ेक्ट आ जाए। और ये मैंने अब उसी ब्रश के साथ मैं अब एक डार्केस्ट ब्राउन लिया और उससे मैं आउटर कॉर्नर बना रही हूँ। आप चाहें तो एक प्रिसाइज आउटर कॉर्नर, शार्प आउटर कॉर्नर बनाने के लिए आप टेप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और मैंने आज टेप का इस्तेमाल नहीं किया। तो इसे देखें, मैं स्लाइटली बाहर की तरफ भी निकाल रही हूँ और एट द सेम टाइम इनर लेकर जाकर मैं इसे मर्ज भी कर रही हूँ। और एजेस को अब मैं किसी भी कंसीलर ब्रश के साथ साफ़ कर लूँगी। आप चाहें तो साफ़ करें, चाहें तो नहीं। तो मैंने आज इसे साफ़ करना ज़रा बेहतर समझा और मैं अब इसके साथ ब्राउन आईलाइनर यूज़ करी हूँ। लिक्विड आईलाइनर मैं यूज़ करी हूँ, बुर्जोस का आईलाइनर है, आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप यूज़ करें। और मैं एक आईलाइनर बना रही हूँ, ज़्यादा मैं इसे बाहर नहीं निकालूंगी क्योंकि मैंने इसे आउटर कॉर्नर पर ज़रा मर्ज करना था अपने आई शेड के साथ। तो एक अलग तरह की एक टेक्निक है, देखिए मैं आउटर कॉर्नर के एंड को, आईलाइनर के एंड को मैं कैसे आउटर कॉर्नर के अंदर ब्लेंड कर रही हूँ कि आईलाइनर बिल्कुल अलग नहीं लग रहा है और इनर कॉर्नर से लिड के दरमियान से ये विजिबल है, लेकिन एट द एंड ये कहाँ गायब हो गया नहीं पता लग रहा। ये बहुत ही ज़बरदस्त इस तरह एक नई टेक्निक थी और बहुत ज़बरदस्त इससे इफ़ेक्ट हुआ था। तो मैंने इस इफ़ेक्ट को करना बेहतर समझा। तो आप देख रहे हैं मेरा लाइनर कहाँ ख़त्म हुआ, आई शेड कहाँ शुरू हुए नहीं पता चल रहा, और यही ब्लेंडनेस की ज़बरदस्त निशानी है कि ज़बरदस्त हों। तो लैशेस मैं बना रही हूँ और लैशेस हम बना लेंगे और हम अपने ब्रो बोन को और इनर कॉर्नर को भी हाईलाइट कर लेंगे किसी भी लाइट कलर के साथ। साथ ही मेरे वो देखने वाले जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो मैं इंशाल्लाह आपके लिए हफ़्ते में 2 से 3 वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी।
तो अभी ईद स्पेशल में ये मैं अच्छे से मेकअप आपके लिए लेके आ रही हूँ ताकि मेरी बहनों के लिए आसानी हो। तो व्यूअर्स, मेरा आई लुक क्रिएट हो चुका है। उम्मीद है आपको एक क्लासी मैट ब्राउन कलर बहुत पसंद आए होंगे और आपको इससे सारी समझ भी आ गई हो कि किस तरीके से बनाते हैं। तो ब्लेंडिंग बहुत ज़रूरी है, ब्लेंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, कलर्स आपस में मर्ज होने चाहिए। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।